राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कोरोना काल के दौरान पर्ची कटवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा न होने के कारण लोगों को जहां कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं महामारी के फैलने का खतरा भी सता रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द ही रोगियों को उनके इलाज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जाए और ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए रोगियों को अलग अलग समय पर अस्पताल बुलाया जाए। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि अस्पताल में ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देने की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत रोगियों को चेकअप के लिए अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल का रुख न करें, बल्कि उन्हें अपने गाँव में बने प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में ही उपचार करवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले लोगों को गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, इस बात को मानते हैं हम। इसमें ये दो चीज़ें हैं कि जो हमारे जो छोटे हॉस्पिटल है या ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल है, PSC हॉस्पिटल है, वहाँ से छोटी छोटी बीमारी के लिए भी लोग जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। यहाँ पे होना ये चाहिए कि जो छोटी बीमारियाँ आपकी, सिंपल जो बीमारियाँ हैं, उनको गाँव के स्तर पर ही, जहाँ हमारे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हैं या खंड चिकित्सालय है, वहीं पर ही देखा जाए। यहाँ वही लोग आए जिसको स्पेशलिस्ट की जरूरत है। एक तो भीड़ का कारण ये है, दूसरा ये है लोगों को अब हम सिस्टम ऐसा कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे बुलाया जाए, ऑनलाइन इसको किया जाए, और एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि ऑनलाइन टाइम दिया जाता है लोगों के। आप एक बैच में एक 10 से 12 आए, 12 से 1 आफ्टरनून में, इसको जल्दी इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ ना हो। और जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारा, उनको भी बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ें जरूर रखें। और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, उनको भी कहा गया कि एक एक मरीज को ही अस्पताल में OPD में देखा जाए, वहाँ भी भीड़ ना लगाई जाए। छोटे को हमने कहा है PN तो है, हर जगह PN भी हमारे नहीं प्रोवाइड कर पाते, तब लोग कभी इकट्ठे जाते हैं, लेकिन निर्देश ही है लिखा जा के एक एक करके ही अंदर जाएं और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो उस कमरे में। इकट्ठा होंगे तो वहाँ बीमारी फैलेगी एक दूसरे से, इसलिए ये सबका कर्तव्य है। इसके लिए खास एक IC कंपेन सरकार, हिमाचल सरकार ने पिछले हफ्ते चलाई है, लोगों को समझाया जाए। ये काम जो है वो CMO लेवल से हो रहा है और हर खंड स्तर पर और PSC स्तर पर, कि लोगों को बताया जाए इस भीड़ के बारे में, भीड़ में कटना हो मास्क पहने, हाथ साफ रखें और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि फ्लू के लक्षणों के रोगियों के इलाज के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज और जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अब तक कुल 175 लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है, जिनमें से 120 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, 3 की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक 98 लोग अस्पताल में संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि यदि संक्रमित व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है, और यदि ठीक ना हो तो बीमारी के हिसाब से भोटा अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। हमारे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, यहाँ हमारा जो यह मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे एक तो हमारी फ्लू क्लिनिक अलग रखी है हमने। जिस भी पेशेंट में खांसी, बुखार, जुकाम या छाती की बीमारी के कोई भी लक्षण होते हैं, उसको अलग जगह देखा जाता है, उसका अलग काउंटर बनाया हुआ है, और वहाँ उसको डॉक्टर जो है हमारे ENT के डॉक्टर हजीज जो है वो चेक करते हैं और उसको फिर स्क्रूटनी करके मेडिसिन के पास भेजते हैं। और उसका वार्ड हमें अलग बनाया है, उसका नाम है आइसोलेशन वार्ड, जहाँ के 20 बेड जो है मेडिकल वार्ड में रखा हुआ है, वहाँ के इंचार्ज हैं अलग, और वहाँ पे उनका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। और इस दौरान हमने जो आइसोलेशन वार्ड था हमारा, वहाँ पर काफ़ी लोग हमने एडमिट किए आज तक। उसमें हमारे पास पिछले दिन तक 175 एडमिशन हमारी हो चुकी थी, जिसमें से 120 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था और 3 उसमें डेथ भी हुई है। और इसमें जो पॉजिटिव हैं हमारे, वो 98 पॉजिटिव आए हैं आजकल यहाँ, आज पूरे अस्पताल में आज तक यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वार्ड इसलिए अलग रखा है कि वो ताकि दूसरे लोगों से ना मिल सके, वो उनका उनको उसका नाम है आइसोलेशन वार्ड। वहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, कल भी 2 पॉजिटिव आए थे, और जैसे ही पॉजिटिव आते हैं तो उनको, अगर वो ठीक हो तो उन घर भेजते हैं, अगर उनमें सिम्टम है, बुखार है, खांसी है, तो उनको हम फिर DCC या DCSC भोटा में शिफ्ट कर देते हैं बीमारी के हिसाब से। कोविड में जो अब जैसे सरकार के निर्देश हैं, हिमाचल सरकार के भी, केंद्र सरकार के भी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी,
इसमें सबसे जरूरी जो हमारा दिया गया है प्रेशर है कि एक तो है मास्क को पहनना, सभी लोग मास्क पहन के ही बाहर आए। दूसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। और तीसरा है कि क्लस्टर इकट्ठे ना हो एक जगह सारे लोग, है ना, जैसे शादी हो रही है, विवाह हो रहा है या बसों में ओवर क्राउडिंग हो रही है, उससे बचना है हमें। और बार बार हाथ अपने साफ रखने हैं और हाथ जो है अपने मुंह के साथ नहीं लगाने हैं, इनको बार बार साबुन से धोना है या बाहर है तो आप सैनिटाइजर से साफ कर दें। ये 4 चीज़ें जो हैं ये सबसे जरूरी है आजकल सरकार के हिसाब से भी और हेल्थ डिपार्टमेंट के हिसाब से कि हम कोरोना